Hello, good morning. How are you? I hope so all of you fine. Today we are studying subject English vowels. बच्चों हमने अभी तक vowels में पहले भी देखा है और आज भी हम देखने जा रहे हैं कितने vowels हैं. How many vowels? There are 5 vowels in English alphabet. And which? A, E, I, O, U. पूरे अल्फाबेट में A से लेके Z तक में कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं. कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स. और वो कौन से हैं? A, E, I, O, U. फिर से एक बार आप मेरे पीछे बोलो. आप घर पर बैठे हो, आप मेरे पीछे बोलोगे. A, E, I, O, U. A, A, E, I, O, U. फिर से एक बार A, E, I, O, U. 5 vowels. अब ये vowels का काम क्या है बच्चों? अब जैसे हम अ से लेके अहां तक और क से लेके ज्ञानी तक में अ से लेके अहां तक पूरी मात्रा को हमें मात्रा देखने को मिलती है. और अक्षर जब हम बनाते हैं, नाम जब हम लिखते हैं, तो मात्रा हम लगाते हैं. तो फिर मात्रा लिखने के लिए हमको स्वर की जरूरत पड़ती है. तो वैसे ही हमारे अल्फाबेट में ये हमारे क्या है? स्वर, यानी कि ये मात्रा लगाने के हमारे काम आते हैं. तो ए, फर्स्ट वॉवल्स में हम कौन सी मात्रा लगाते हैं? ए के. मैं आपको फर्स्ट ए, ए में कौन सी दिखती है, कौन सी मात्रा लगती है? आ, अ, ये मात्रा लगती है. जैसे कि मैट, मैन, बैग, फैन, हैट, वैन, टैप, एम, सब में ए लगा हुआ है. तो ये कौन सी मात्रा के वर्ड है? आ. अब जैसे आप नाम ले लो, तो आपके नाम में भी हम क्या कर सकते हैं? ये मात्रा ए लगाना है. तो फिर मात्रा, जैसे कि नाम है आपका आगम, आ में क्या आएगा? ए डबल ए, कैपिटल ए और स्मॉल लेटर का ए, आ. वैसे ही हम देखेंगे ई, ई में क्या है? ये देखो, तो यहाँ ए की मात्रा के काम आएगा. ये ए की मात्रा, जैसे कि एक, सेट, नेट, बेल. उच्चारण में देखो, ए की मात्रा हम उच्चारण करते हैं ना मात्राओं में, ए, एन, एन, ए में हम कैसे, जैसे कि केला, मेला, पैर, वैसा ही ये है. सेट, नेट, बेल, लेट, टेल, बेड, सेल. इस प्रकार ये सेकेंड वाला वॉवल्स ई, ई में ये ए की मात्रा हम देखते हैं. फिर हमारा थर्ड वॉवल आएगा आई. आई में हम क्या देखते हैं? छोटी ई की मात्रा का. ठीक है, तो इसमें देखो हम, अब हमको क्या मिल रहा है? हिट, H I T, hit. Pit, pin, fish, din, tin, in, wish. आया समझ में? ये सब E की मात्रा जैसे हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है. फिर हमारा फोर्थ वॉवल O. क्या है ये? O. तो O में हम देखेंगे कौन सी मात्रा आएगी? है O की. तो फिर ये भी देखो, हॉट, पॉट, डॉग, फॉग, बॉक्स, लॉक, डॉट, पॉप. ओ की मात्रा में ओ
माँ। अब हम हिंदी में लिखेंगे सब जो हमने लिखा, ओ न म। अब उसको हम कैसे लिखेंगे ओनम को इंग्लिश में, ओ न म, ओ एन ए एम, इस प्रकार हम हमारे नाम को हम लिख सकते हैं, क्योंकि क्या उसमें हम ओ लगा रहे हैं। फिर हमारी लास्ट वॉवल है यू, यू में देखो बट, अब इसको यू ऐसा उच्चारण हम बूट नहीं करेंगे, बट फन गम लक हक डक सम जग, इस प्रकार हम यू लगा करके उसको हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। और डबल वॉवल्स का भी हम वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट इसमें, और यह आपको आपके बुक में कॉपी में भी उतारना है और लिखना है। मैंने आपको एक पिक दिया था पिछली बार, वो भी आपको अभी लिखना है। यह हमारा जो बुक है इंग्लिश की बुक है, इसमें से बच्चों से इट राइट सेकेंड वॉवल्स रीड अलाउड, यह आपको रीड करना है, रीड पढ़ने की कोशिश करना है, और फिर इसमें से ही वह आपके कॉपी में आपको लिखना है। आया समझ में?